हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? इस लॉकडाउन के पीरियड में हम ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्लास सिक्स के लिए आज हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस को पढ़ने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस किस तरीके से, किन किन चीज़ों को कैसे कैसे अलग करते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी देता है। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस आपको यहाँ पर पीडीएफ के रूप में और साथ ही साथ आपको बोर्ड के रूप में, दोनों में आपको बताया जाएगा। सबसे पहला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, मिक्सचर। मैं यहाँ पर स्क्रीन को थोड़ा छोटा करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें, सब्सटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सब्सटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए, ये सब्सटेंस है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हमने। सबसे पहले अगर हम बात करें सब्सटेंस के, तो दो होते हैं, एक तो प्योर होते हैं और एक मिक्सचर होता है। प्योर एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर सब्सटेंस क्या होते हैं, अब हम इनको समझेंगे। पहले तो यहाँ पे आपको पीडीएफ और बोर्ड दोनों के बारे में आपसे आपको समझाया जा रहा है। मिक्सचर जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना होता है। टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस विच आर मिक्सड बट आर नॉट कम्बाइंड केमिकली, लेकिन केमिकली जो नहीं, यहाँ बात करें मिक्सचर। और प्योर की बात करें तो प्योर सब्सटेंस वो होते हैं सेपरेशन इन द प्रोसेस सेपरेटिंग, सो ये सेपरेशन के मेथड है। जबकि प्योर में क्या होता है, एक ही तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सब्सटेंस को मिला के। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मिक्सचर की बात करें, तो मिक्सचर में क्या है और प्योर में क्या है। प्योर हम उनको कहते हैं जो सेम टाइप के पार्टिकल से मिल के बने होते हैं, और मिक्सचर होते हैं टू और मोर टाइप्स ऑफ सब्सटेंस विच आर मिक्स्ड बट नॉट केमिकली। उनको मिक्स किया जाता है फिजिकल से, लेकिन केमिकली वो मिक्स नहीं। तो टू और मोर सब्सटेंस को मिला करके हम बोलते हैं मिक्सचर। अब हम बात करेंगे सेपरेशन की। सेपरेशन इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर। उस मिक्सचर से इसको अलग किया जाए, उसको हम कहते हैं सेपरेशन। और इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे डिस्टिलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग एटसेट्रा। सबसे पहले हम बात करें हैंड पिकिंग की। हैंड पिकिंग क्या होता है? सपोज दैट आपकी थाली में बहुत सारे जो है तरीके की चीज़ें मिक्स कर दी हैं, जिसमें कंकड़ भी है, ठीक है, उसके अंदर दाल भी डाल रखी है, दाल है, उसमें कंकड़ डले हुए हैं, उसमें छोटे छोटे कोयले के टुकड़े हैं वो डले हुए हैं, तो आप उनको सेपरेट करें तो उसको हैंड पिकिंग कहते हैं। यानी डर्ट, स्टोन और हस्क ऑफ वीट और राइस, उनको गेहूं से अलग करना, उसको हम हैंड पिकिंग कहते हैं, हाथों से अलग करना। थ्रेसिंग की बात करें, थ्रेसिंग क्या होती है? थ्रेसिंग इज़ द प्रोसेस बिटिंग स्टॉल, स्टॉल को लिया जाता है, उसको उसके ऊपर पछाड़ा जाता है इस तरीके से, तो उसको हम कहते हैं थ्रेसिंग। बिटिंग स्टॉल टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उससे उसको किया जाता है। जब हार्वेस्टेड क्रॉप हो जाती है, जब फसल जब निकलती है, तो उससे उसको लेके उसके पूली बंडल्स बना करके और उसके ऊपर इस तरीके से प्रहार किया जाता है और दाने अलग हो जाते हैं। ये थ्रेसिंग है। आजकल इस काम के लिए बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, थ्रेसिंग मशीनें हैं, उनसे हम ये चीज़ लेते हैं। विनोविंग की बात करते हैं। विनोविंग इज मेथड ऑफ सेपरेशन हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। जो भारी और हल्की चीज़ें होती हैं उनको यदि हम बहती हुई हवा के झोंके से उनको अलग करें, जिससे भारी चीज़ पहले बैठ जाती है और हल्की आगे जाके इकट्ठी हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं विनोविंग। इसके बाद सेविंग। सेविंग का मतलब होता है चलनी, छानना। जिस तरीके से हम चाय को छानते हैं, चाय पत्तियाँ और
उसमें जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनको अलग कर देते हैं। उस तरीके से सेविंग के द्वारा जैसे बजरी छानते हैं, तो लार्ज पार्टिकल जो है इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसे फिल्टर से पास नहीं होते हैं, और उसको फिल्टर से चलने के द्वारा साफ़ करने को हम सेविंग कहते हैं। उसके बाद सेडिमेंटेशन की बात करें, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। तो फिल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग द मिक्सचर थ्रू द फिल्टर पेपर। फिल्टर से अगर कोई चीज़ होकर के जा रही है तो सॉलिड पार्टिकल जो लार्ज पार्टिकल हैं वो मिक्सचर से दूर हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं। इसके बाद हम आगे बात करें सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर से वो सेटल डाउन एंड वाटर इज एडेड इन दिस प्रोसेस। और उसमें क्या होता है, वाटर को एडेड किया जाता है। तो वाटर एडेड करने से हम क्या समझ रहे हैं कि उसके अंदर पूरी तरीके से उसको हटाया जाता है, मिक्सचर सेटल डाउन, मिक्सचर जो है पानी में जब डाला जाता है तो वो भारी चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं, नीचे बैठने को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि सेडिमेंटेशन क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे डिकंटेशन। डिकंटेशन इज़ द प्रोसेस आफ्टर सेडिमेंटेशन दैट इन्वॉल्व रिमूविंग वाटर अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटीज। धीरे धीरे जब सेडिमेंटेशन हो जाता है, भारी चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं, तो उसको धीरे धीरे अलग करते हैं इम्प्योरिटीज को। इवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये जो दो प्रोसेस हैं इनकी हम बात करेंगे। तो इनमें किस तरीके से करना चाहिए हमें, तो यहाँ पर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इंटू इट्स लिक्विड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विद ए कूलर सरफेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सपोज दैट आपको वाटर वेपर जो है लिक्विड से वाटर वेपर आपने बनाया, और उसके बाद वो वाटर वेपर किसी कूलिंग सरफेस से टच में आती है, देन आप उसको क्या कर सकते हैं, उस वाटर वेपर को हमने क्या किया, कूलिंग कर दिया, और कूलिंग करने से ये पूरा का पूरा सेपरेट हो जाता है, उसको हम कहते हैं कि हाँ यस, इसे आप जो है कूलिंग कर दिया, और कूलिंग करने से आपने उसको कंडेंसेशन कर दिया। तो कंडेंसेशन करने का मतलब यह है कि पहले लिक्विड है उसको वेपर बनाया जाए, और वेपर बनाने के बाद जब वो पूरी तरह से वेपर ऊपर उठती है तो एक कूलिंग के माध्यम से उसको ठंडा कर दिया जाए। इसी तरह इवोपरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इंटू वेपर, और वाटर को हम वेपर के रूप में चेंज करने को कहते हैं इवोपरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेयर वाटर इज प्रेजेंट। तो उसमें पानी की मौजूदगी होनी चाहिए, तभी वो इवोपरेशन हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है, ए सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर कंपोज ऑफ टू और मोर टाइप्स सब्सटेंस। एक सॉल्यूशन वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो मिलकर के बनाते हैं, और ऐसे जो मिक्सचर होता है उसमें सॉल्यूट जो सब्सटेंस होता है डिजोल्व इन अनदर सब्सटेंस नॉन एज सॉल्वेंट, और जो सॉल्यूट को डिजोल्व करता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। अब हम बात कर चुके हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन जैसा कि आपको पता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रकार की चीज़ें मिली होती हैं, और ऐसे मिक्सचर के अंदर एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट वो सब्सटेंस हो जाता है जो ज़्यादा मात्रा में होता है और जो सॉल्यूट को डिजॉल्व करता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए केमिकल सॉल्यूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। किसी सॉल्वेंट वो था जो अधिक मात्रा में था, उस अधिक मात्रा वाले सॉल्वेंट के अंदर अगर कम मात्रा के अंदर है सॉल्यूट तो उसको हम सैचुरेटेड नहीं कहेंगे। अगर सॉल्यूट अधिक मात्रा में है, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उसे हम उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जांपल के तौर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम सॉल्ट इन वाटर इन दैट विच नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व। अगर पानी नमक के अंदर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिया जाए
कि अब और ज़्यादा नमक डालने की गुंजाइश नहीं है, तो ऐसी पोजीशन में उस नमक के जो घोल को हम सैचुरेटेड घोल कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, कि जहाँ और ज़्यादा गुंजाइश नहीं है और वो सॉल्ट सेडिमेंट होना शुरू हो जाता है, नीचे बैठना शुरू हो जाता है, मिक्स नहीं होता। थ्रेशिंग की बात के बाद सॉरी चर्निंग की बात करते हैं। चर्निंग इज़ द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस ऑफ शेकिंग अप क्रीम और होल मिल्क इज टू मेक ए बटर। एक तरीके से बिलौना हम कह सकते हैं कि दूध को मथना, हिलाना, ताकि उससे क्रीम बाहर आ जाए, बटर आ जाए ऐसे, और ताकि सेपरेट हो जाए प्योर सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं चर्निंग। तो हम यहाँ पे इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें जानी हैं, सेपरेशन के जो कुछ चीज़ें, और इससे आगे की चीज़ें हम अगले वीडियोस में शेयर करेंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन पर जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें जो है जानकारी करी हैं। तो यहाँ हमने सॉल्यूशन को पढ़ा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को पढ़ा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें और गुंजाइश होती है, हम और उसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आपकी क्लास सिक्स के जो चैप्टर है, ये सिक्स में क्लास सिक्स का चैप्टर फाइव है, उसके अंदर आपको ये पहले भी मैंने आपको कुछ वीडियो शेयर किया था और फिर भी आपको नहीं समझ में आया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पीडीएफ की मदद ली है। आप इससे अपने नोट्स बना सकते हैं वीडियोस को पॉज करते हुए। ओके स्टूडेंट्स, आप घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहें, और साथ ही साथ एक मैसेज है, कल 5 अगस्त हैं, 5 अगस्त को अयोध्या मंदिर की जो नींव रखी जा रही है, तो आप भी अपने घर पर दीप प्रज्वलित करें, खुशियाँ मनाएँ। हम हिंदू भारतीयों के लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है और इसमें गौरवान्वित होना चाहिए। हम केवल हिंदू ही नहीं, हम समस्त भारतीयता की बात कर रहे हैं, आप इसको अदरवाइज ना लें। हम भारतीय हैं और हमारे लिए गौरव का विषय है कि जो किसी इतिहास के पन्नों में जो दब गया था कि बाबरी मस्जिद का अटैक हो गया था और उससे बहुत बड़ा लंबा केस चला, लेकिन अब ये बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है और कल ही 1 साल पूरा हो रहा है धारा 370 को हटे हुए। तो दोनों खुशियाँ हमारे साथ हैं और हम इस लॉकडाउन के पीरियड में खुश छोटी छोटी खुशियों को ज़रूर शेयर करें, अपने मित्रों के साथ इस बात को शेयर करें और अपना भारतीयता का संदेश दें। जय हिंद, जय भारत।